हाउ इज़ इट गोइंग गाइस। तो हाल चाल कैसा चल रहा है, मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो गाइस क्या बोलूँ, मैं कल रैंक पुश करना स्टार्ट करने वाला था और मैं एक दो मैच खेल भी लिया था। उसके बाद भाई एक मैच स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा मोबाइल को क्या हुआ भाई, अपने आप पूरा स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फोर्स रीस्टार्ट कर रहे फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो भाई अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अब हमको देना पड़ेगा तुम्हारा सर्विस सेंटर में। अब देखते हैं कितना दिन में हमको बना के देता है। बट क्या बोले भाई, गेम मेरे पास एक और मोबाइल है लेकिन उसमें भाई गेम चलता नहीं है। उसमें क्या बोले, बहुत ही थोड़ा लो एंड डिवाइस है, सो इसमें बिल्कुल भी गेम नहीं चलता और चलेगा भी तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा, रिकॉर्डेबल भी नहीं रहेगा। सो मैं अभी कुछ दिन शायद हम गेम खेलने नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे पास बहुत डे सारा वीडियो हम रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, तो उतना दिन तक मैं यही सब वीडियो को डालते रहूँगा। तो चलो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं गेंगार का गेम प्ले देखने चल रहा है। वैसे गेंगार को ना कोई नर्फ मिला है ना कोई बफ मिला है भाई, और ये पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा ओपी है। बस इसमें तुमको ये ध्यान देना है कि भाई सामने वाले टीममेट्स लोग थोड़ा स्क्वीसी रहे, और जानते ही सोलो क्यू में आधा से ज़्यादा टीममेट्स लोग स्क्वीसी मिलते हैं, इसलिए भाई गेंगार बहुत काम आता है सोलो क्यू में। फाइव स्टैक में उतना काम नहीं आता है लेकिन सोलो क्यू में बहुत ही ज़्यादा ओपी रहता है। और भाई मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि भाई एक बार ट्राई कर लूँ स्पून को, कैसा गेंगार में काम आता है। तो इस मैच में मैं स्पून डाल के खेल रहा था इसमें आइटम में। तो चलो हम लोग टॉप में चलते हैं, टॉप में क्या गैंग करते हैं, देखते हैं क्या करने पाते हैं। वैसे यार भाई ये लोग के में भी गेंगार है, हम ध्यान नहीं दिए। अब अपोजिट टीम में भी तुम्हारा गेंगार है और यहाँ पे ये उतना हार्ड टीम नहीं है बट है, और यहाँ पे मेरे को ड्रीम ईटर तो मारा है, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर चढ़ता तो इस बार पक्का के हो जाता। अच्छा हुआ दिमाग लगाया नहीं चढ़ाना, तो वहाँ पर पक्का के होता। और यहाँ पे हम कम से कम दो आदमी को निकाल लिया, उन लोगों का गेंगार बहुत पहले ही पीछे चला गया। अभी भी 1v1 कर सकते हैं, ट्राई तो कर रहे हैं। अरे यार देख रहे हो, कभी हम स्लिप करते हैं कभी वो स्लिप करता है, लेकिन देखो भाई हमको तो आउट प्ले कर दिया ये बंदा। अब हम लोगों का डेसिडी होता है इसके चलते उसको किल निकल गया ना, तो भाई हम तो आउट प्ले हो गए थे खतरनाक वाला। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना इसी बहाने जंगल वापस कर लेते हैं, देखते हैं जंगल में क्या हुआता है। यहाँ पे कम से कम लेवल 7 पहुँचना है हमको। फर्स्ट वाला 20 से जो सेंटर में 20 आता है वो ना 20 से पहले, तुम्हारा 8 मिनट में आने ही वाला है लेवल 7 तो नहीं हुआ, बट चलो चलते हैं कम से कम ये करना है। ओ हो गया भाई नाइस, चलो शेडो बॉल आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करने पाते हैं, यहाँ पे निंजा है। अरे भाई एक शेडो बॉल का डैमेज देखो निंजा का, पूरा आधा से ज़्यादा हम वो कर दिया था। लेकिन वही चीज़ है, ये लोग दो बंदा है तो हम फाइट लेना नहीं चाह रहे, गलती से KO निकल गया मेरा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे निंजा तो लोगों का भाग गया इसलिए मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, और अरे भाई सीसी खतरनाक दे रहा है, लेकिन इसका काम यहीं तक था, ये भी मर गया। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं थोड़ा सा बैरी उरी लेता हूँ, उसके बाद एक तरफ का बफ छोड़ दिया था उसको क्लियर कर लेता। इसका एक चीज़ अच्छा है ड्रीम ईटर शैडो बॉल का कि भाई तुम अगर NPC सब में मारते हो ये सब मूव तो भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं HP बढ़ता है, वो चीज़ बहुत अच्छा। ये बंदा को देखो तेज बन रहा था स्कोर करने। अरे भाई मिस कैसे कर दिया यार, अभी बहुत दिन से खेला नहीं है तो मिस कर दे रहा, और ये ग्रेनिंजा क्या सोच रहा था। अरे देखो भाई ये भी मर गया, 20 के पास था, मैं 20 को मारने के लिए गया तो वहाँ पर गेंगार खड़ा था, उसको एक शैडो बॉल में लगा और मर गया। और अच्छा खासा यहाँ पर स्टैक होने वाला है, 40 स्टैक हो जाएगा 2 के ऊपर, खतरनाक भाई नाइस। इसी के साथ भाई मेरा फर्स्ट टैग भी हो गया है, इतना देर के बाद फर्स्ट टैग हुआ है भाई। क्या बोलो, जो जंगल पोकेमोन के ऊपर कभी कभी हम स्पेशल स्पैक्स खिलाते हैं जो स्टैग करने वाला रहता है, लेकिन भाई एकदम स्टैग करने बनता ही नहीं है। क्या बोले, एकदम नहीं बनता है, एकदम स्टैक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है यार, एकदम जंगल पोकेमोन के साथ स्टैक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो क्या ही ग्रेनिंजा मरा, उसके बाद कॉम्बो तो बैठ रहा है भाई, हम स्लिप करते हैं भाई, ये लोग का गेंगार भी हमको स्लिप कर देता है। वैसे मेरे पास फुल हील है, यहाँ पे ब्लास्टोइस का सबसे बचेंगे, यहाँ पे अल्ट चला दिया क्या कि कोई भी फायदा नहीं है अल्ट बचा के उतना देर तक, कहीं पे कमिट करना है तो अब ये चांस था। लेकिन यहाँ पे भाई ये लोगों का क्लिफिएबल है ना, वो थोड़ा डिफ दे देता है, वो मेरा मूव को पूरा एकदम हटा देता है। क्या बोले, उसका जो मूव है ना बहुत खतरनाक है मूव सब उसका। और यहाँ पे देखो मैं 1v1 कर रहा हूँ, लग रहा है भाई क्लिफिएबल से 1v1 हार जाऊँगा। चलो मेरा ब्लास्टोइस आया, इसी के चलते यहाँ पे इसको स्लिप करके ईजी निकाल लिया। अगर मैं मर भी जाता तो ब्लास्टर्स वहाँ पे उसको ख़त्म कर देता, लेकिन भाई क्लिफिएबल से 1v1 हारना क्या बोले, ये तो अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन भाई उसका हीलिंग सी इतना ज़्यादा है ना, अचानक भाई 40-50% वो हील कर लेता है अपना को, ये वाला मूव से खतरनाक ही। मूनलाइट तो तुम्हारा स्लो स्लो न देता है, लेकिन ये वाला मूव खतरनाक ही हील दे देता है एक बार में। यहाँ पर टॉप लेन में ये लोग थोड़ा प्रेशर डाल रहा है, उसके लिए मैं चलता, ये लोगों को प्रेशर डालने नहीं देना। यहाँ पर ग्रीन निंजा है,
हाँ ग्रेनिंजा अल्ट मारा है, थोड़ा देर पीछे होता है। अरे यार ये तो डायरेक्ट मैंने ही ऊपर चढ़ गया, एक नेक स्लिप पड़ा, एक पड़ा, और ये देखो भाई इतना स्क्विजी पोकेमोन सो के तुम क्या क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ, एकदम कोई चांस नहीं है यार। गेंगार खेल रहे तो भाई एक चीज़ ध्यान दो, एकदम बूश में छुपे रहो और 3 मीटर मारो सबसे पहले, आदमी स्लिप होगा तुमको उसको वन शॉट कर दोगे, कोई भी स्क्विजी पोकेमोन सो के। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर पकड़ाया ग्रेनिंजा, ग्रेनिंजा तो मर गया भाई, लेकिन क्लिफेबल आ गया। हम सोच रहे थे स्टैक्स मिल जाएगा, लेकिन भाई मेरे पास 50 गोल्स है, समझ रहे हो, कोई चांस नहीं है वहाँ स्टैक्स करने का। और यहाँ पे देखो यलंग दोबारा आ गया, लगता है मेरा टीममेट यहाँ पे वाइप होने वाला है। एक बंदा को तो निकाला, उसके बाद भाई इससे नहीं सकूँगा, क्लिफेबल से थोड़ा दूर हो जाता। यहाँ मेरा ब्लास्टोइस मस्त अच्छा सीसी सब दे रहा था, ब्लास्टोइस अच्छा खेल रहा था। और यहाँ पे देखो ड्रीम मीटर मारता हूँ, फिर भी भाई मेरे ड्रीम मीटर को हटा देता है कैसे तो। और यहाँ पे भाई मेरा केओ भी निकाल दिया इजी। और देखो देखो उसका हीलिंग देखो भाई, ब्लास्टोइस से 1v1 कर रहा था फिर भी उसका हीलिंग देखो, एकदम 0 HP था। उसके बाद भाई एकदम अचानक 50-40% हुआ अपना HP रिगेन कर दिया, ये भाई इलीगल वाला चीज़ है। और चलो चलते हैं, देखते हैं क्या करने पाएगा ये लोग, थोड़ा देर ये लोग को डिफेंड करना है। मेरा ब्लास्टोइस अच्छा खेल रहा था, सबने डिफेंडर जैसा खेल रहा था, डिफेंडर बिल्ड लिया हुआ था, असोल्ट वेस्ट सब लगाया था। असोल्ट वेस्ट आइटम उतना अच्छा नहीं है ठीक है, लेकिन कोई कोई डिफेंडर में बहुत ओपी काम करता है असोल्ट वेस्ट, जैसे यही ब्लास्टोइस सब है ये सब में बहुत ओपी काम करता है। सर्फ वाला बिल्ड खेलोगे तब, अगर वाटर स्पोर्ट वाला खेलता है तो उसमें डैमेज बिल्ड खेलना रहता है भाई, तो अल्ट चला दिया हम तो यहाँ मार गया। चलो तब तक मेरा टीममेट्स लोग वापस आ गया, एकदम डिफेंड कर लेगा। डेसिडी उतना आगे से क्यों खेल रहा है भाई देख रहा है बगल में भाई इसके वो है, फिर भी लालच कर रहा था किल के लिए, देखो मर गया भाई। डेसिडियो खेल रहे हो, लालच नहीं करना चाहिए किल के लिए, अगर लालच करोगे तो भाई तुम ऑलराउंडर के बगल में जाके तुम एरो मारने का कोशिश कर रहे हो, कोई चांस नहीं है तुम्हारे सर्वाइव करने का। यहाँ पे देख रहे हो 1v1 कितना मस्त कर लेता है भाई, सोड एकदम खतरनाक। मेरा ब्लास्टोइस अभी फुल HP में आया था, लेकिन उसका HP कितना है वो कर दिया है, अच्छा खेल रहा है। ये लोग का टीम ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब खेल रहा है, लेकिन अच्छा खेल रहा है, वही चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं देखो यहाँ पे क्लिफेबल को निकाले, ब्लास्टोइस बच गया बस, और ब्लास्टोइस भी मर गया, नाइस। चलो तब यहाँ पे अब हम लोग का भाई उतना देर से हम लोग का भाई क्या बोले, हम लोग का जेशियन नीचे में खेल रहा था इसलिए हम लोग को उतना प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग अपना कैपेसिटी के हिसाब से खेलना पड़ रहा था। लेकिन अब जेशियन ऊपर आ गया, आप जानते हो जेशियन कितना ब्रोकन है, अब तो इजी यहाँ पे पुश करवा सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं, यहाँ पे किसी को देना है, पीछे से दे रहे हैं, अरे भाई ब्लास्टोइस को पड़ गया, हम निशाना लगा रहे थे तुम्हारे ग्रेनिंजा को, यहाँ मार रहे हैं। और देखो यहाँ पे भाग रहा है, इसको पकड़ते पहले शैडो बॉल पड़ा, उसके बाद क्लिफियाबल को, नाइस सेकंड केओ निकल गया। अब चलो अभी फिर प्रेशर डालने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे सोड है, सोड को हटने दिए, इसके ऊपर ड्रीम मीटर मारे हैं, सोड को अपना शॉर्ट फॉर्म में आने दिया, और देखो इसको क्या ही निकाल। सोड को अगर शॉर्ट फॉर्म में मारोगे ना भाई गजब केओ निकाल सकते हो उसका, समझा, थोड़ा उस समय कम हो जाता है। यहाँ पे ब्लास्टोइस भी गया और क्लिफेबल बच गया, और क्लिफेबल भी गया, और यहाँ देखो 5 स्टिक्स, नाइस। देखो भाई क्या ही एकदम थोड़ा सा पीछे भी हो के खेले खतरनाक ही। अरे यार ये तो 50 डालने नहीं दिया, मेरा सेकंड स्टैक्स भी नहीं होने दिया, देख रहे स्टैक्स करने के लिए कितना हालत ख़राब हो रहा है मेरा, एक ही स्टैक्स करने पाया, मेरा उतना स्पैक्स काम नहीं आ रहा होगा जितना आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना निकाल लिया है। अब चलते हैं पीछे, पीछे जाके अब यहाँ पर थोड़ा देर रह सकते हैं, इन लोगों का बूश में वेट करते हैं, देखते हैं कोई स्क्विजी पोकेमोन आएगा उसको पकड़ेंगे सबसे पहले। यहाँ पर क्या है, ग्रेनिंजा नहीं, हाँ पहले इसको पकड़े, उसके बाद कि कौन पकड़ा है कौन पकड़ा है। और यहाँ पे ग्रेनिंजा देखो, ग्रेनिंजा को अल्ट से निकाले, यहाँ पे ये ब्लास्टोइस है, ब्लास्टोइस को मारने का कोशिश किया, लेकिन जेशियन अपना पहले ही निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा वेट करना है, देखते हैं फिर आने का, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत नहीं है रिक्वाजा लेने का ठीक है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा लीड में है, वो लोग कुछ मेरा हम लोग का बेस तोड़ने नहीं पाया, और हम लोगों का बेस पूरा तोड़ दिए हैं, और हम लोग बहुत पावरफुल लगभग लेवल 15 पहुँच गया, समझ रहे हो ना। और अपने पास जेशियन है, वो लोग देखो यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे जेशियन में एलोंग घुसा और यहाँ पे पकड़ाया सब, क्या भाई ये तो पूरा वाइप हो गया एलोंग, कम से कम एक बंदा बचा हुआ है। ये देखो गेंगार मेरे ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है भाई, ये क्या कर दिया चिड़िया भाई, ये चिड़िया आके देख रहे हो, वो पोजीशन दे दिया उसको एकदम रिसेट लेने का, उतना उसको थोड़ा पीछे रहना चाहिए था। और ये देखो 5 बंदा एलोंग मर गया और 3 का केओ जेशियन भाई, एकदम ब्रोकन चल रहा है तो खतरनाक। चलो देखते हैं अब क्या करते हैं, थोड़ा देर मेरा बहुत बड़ा टाइमर लग गया 22 सेकंड्स का, देखते हैं कितना देर वेट करते हैं। हम लोगों का ब्लास्टोइस वहाँ से पाल रहा है, हम लोग को बस डिफेंड करना है अभी, कोई हम लोग को जरूरत नहीं। और यहाँ मस्त ब्लास्टोइस अल्ट मारा है खतरनाक भाई, एकदम एक नंबर, और ये लोग सरेंडर कर दिया। ये मैच तो भाई गजब एक तरफा हो गया देख रहे हो। तो चलो एंड स्क्रीन चलते हैं, एंड स्क्रीन में देखते हैं क्या हालत है। और ये लोग देखो 5-5-3 का लोग कॉल किया, 63 ये लोग कॉल करने पाए भाई,
ये लोग तो अलग ही बुली हो गया है ये वाला मैच में। तुम्हारे नीचे में ये लोग बहुत ब्रोकन था हम लोग का। और यार देखो डैमेज देखो भाई, 108K का डैमेज दिया है। और यहाँ पे जेशन का देखो 90K का डैमेज है, समझ रहे हो ना। गेंगार भाई जेशन को आउट डैमेज कर दिया। वैसे सामने टीम में जेशन नहीं था, फिर भी भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक हो गया। अगर जेशन नहीं भी रहता तो हम लगभग संभाल ही लेते एक तरफ। तो चलो गाइस यही था वीडियो आज का, कैसा लगा बताओ कमेंट्स में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।